अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर गजल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर गजल ऑफिशियल के नेम से। ऐसी तमाम खवातीन जो हॉस्पिटल नहीं जा सकती, घर हैं और वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके परेशान हैं और मेडिकल के बारे में वो ये चाहती हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन मिले, तो उन लोगों के लिए हमारी वीडियोस जो है वो हेल्पफुल होंगी। आज हम बात करते हैं कि वो तमाम खवातीन जो किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कोई हज पे जाती हैं, उम्रा पे जाती हैं, तो वो अपने पीरियड्स को डिले करने के लिए वो मेडिसिन का इस्तेमाल करती हैं। जब वो वापस आती हैं तो वो वापस आकर हमसे ये कंप्लेन करती हैं कि डॉक्टर साहिबा, हमने ये दवाई खाई थी लेकिन हमें इस दवाई का कोई असर नहीं हुआ। मेरे उम्रे के दौरान ही मुझे पीवी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई या मुझे पीवी स्पॉटिंग होना स्टार्ट हो गई। अब मैं आपको ये गाइड करना चाहती हूँ कि इसका तरीकाकार क्या है, एग्जैक्ट आपने क्या डोज लेनी है, कैसे लेनी है, ताकि आप इन मसाइल से बच सकें। ऐसी वो तमाम खवातीन जिन्होंने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, इसका तरीकाकार ये है कि आप प्रीवियस साइकिल के 21वें दिन से ये गोली स्टार्ट कर दें। ये आपने टेबलेट एक रोज़ाना पानी के साथ एक फिक्स टाइम के ऊपर आपने खानी है। बस टाइम ऐसा होता है कि टाइम हम फिक्स नहीं कर पाते, कभी हम सुबह में खा लेते हैं, कभी फिर भूल जाते हैं, कभी शाम में खा लेते हैं। तो वक्त की जो एक पाबंदी है, इसके ऊपर अगर हम कायम नहीं रहेंगे, हम रेगुलर एक टाइम के ऊपर अपनी मेडिसिन नहीं लेंगे, तो बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि तमाम ख़वातीन ये चाहती हैं कि हम जो है सुकून से ज़्यादतें कर सकें, हमें किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो, वो टैबलेट जो है वो डबल डोज लेना शुरू कर देती हैं, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो मेडिसिन रिकमेंडेशन से ज़्यादा लेना स्टार्ट कर देती हैं ताकि हम इस परेशानी से बच सकें। ज़्यादा लेने के ऊपर आपको बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है, ब्रेस्ट में स्वेलिंग हो सकती है, सर में शदीद दर्द हो सकता है, इसके साथ ही पीवी ब्लीडिंग का इशू हो सकता है, पीवी स्पॉटिंग का मसला हो सकता है, पेट में ब्लॉटिंग हो सकती है। ये टैबलेट आपने प्रीवियस साइकिल के 21वें दिन से स्टार्ट करके रेगुलर ये टैबलेट एक डेली पानी के साथ टाइम फिक्स करके आपने लेनी है। जैसे हम सुबह उठने की पाबंदी करते हैं, एक अलार्म लगा लेते हैं ताकि हम वक्त पर उठ सकें, हमारी देर से आंख ना खुले, इसी तरह आपने जिस एक फिक्स टाइम में आप मेडिसिन लेते हैं उसी फिक्स टाइम में आपने अलार्म लगाना है और उसी फिक्स टाइम में आपने मेडिसिन यूज करनी है ताकि आप इन तमाम मसाइल से बच सकें और आप अपनी रिलीजियस एक्टिविटी को सही तरीके से परफॉर्म कर सकें। उम्मीद है वो तमाम खवातीन जो इस बारे में परेशान हैं, उन्हें इस चीज़ की समझ नहीं है, बाद में आकर वो कंप्लेंस करती हैं, उनको ये बात समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।